कंगना रनौत ने हाल ही में नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी का म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिससे फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक माहौल तैयार हुआ। जीवी प्रकाश कुमार और अर्को प्रावो मुखर्जी द्वारा रचित और मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए इस एल्बम में शक्तिशाली गानों और भावपूर्ण धुनों के मिश्रण के साथ 1970 के दशक के सार को खूबसूरती से दर्शाया गया है। पहले मैं अपनी जो टीम है, आज क्योंकि हमारा म्यूजिक लॉन्च है, तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीवी प्रकाश जी, इन्होंने मेरी फिल्म में जो है 4 गाने दिए हैं, और ये फिल्म के गाने करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गाना अलग से शूट नहीं हुआ है, हर गाना सीन के साथ शूट हुआ है। हर गाने में सीन में एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादियां या ये कुछ किस्से शूट कर, नहीं, पूरे पूरे सीन्स हैं जिसमें स्टोरी कभी भी नहीं रुकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरजेंसी को जो है फिल्म के तौर पे एक म्यूजिकल ट्रीटमेंट ही दिया गया है। और हमारी जो इंटरवल ब्लॉक का गाना है, खैर हम सारे सारे गाने तो पूरी तरीके से नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि उसमें सारी, जैसे मैंने कहा, कहानी पूरी हम लोग नहीं, ऐसे सीन्स रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शायद जीवी से 10 मिनट का गाना है, आई थिंक लगभग 10 मिनट का सिंहासन हमारा जो है इंटरवल ब्लॉक का सॉन्ग, और जितनी बेहतरीनगी से इन्होंने वो गाना कंपोज किया है और उसके कितने सुर हैं, वो बहुत सॉफ्ट भी जाता है, बहुत अग्रेसिव भी जाता है, बहुत हेल्पलेस भी जाता है, बहुत ज्यादा एक तरह से जिसमें आपको लगता है मजबूर भी है, एक्साइटेड भी है, तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और मेरा फेवरेट है। उसके साथ ही शंखनाद कर एक और सॉन्ग जो है जो जीवी सर ने दिया है और जिसपे जो बहुत ही खूबसूरत जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मनोज जी की तारीफ करना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को आप रोशनी दिखा रहे हैं, पर दिखा दीजिए मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपसे हम जीतेंगे कैसे, शब्दों से, क्या शब्दों का चयन करें, हाँ वो भी तो एक दुविधा है कि आपके लिए कौन से शब्दों की चयन करें, जो इंसान ऐसे लिखते हैं शंखनाद कर, शंखनाद कर यूं जोर से चीर दे जमीन आसमान फाड़ दे, देखता है क्या, सोचता है क्या, संगीत तू छातियों में गाड़ दे, ओ वीर कफन बांध ले वतन के वास्ते, ओ वीर वीरता का आज तू प्रमाण दे, स्वदेश के लिए, स्वराज के लिए, स्वधर्म के लिए प्राण दे, क्या बात है। तो आप बताइए इन इनकी महोदय की हम तारीफ के लिए कौन से शब्द यूज करें, जैसे शब्दों के जादूगर हैं ये, और इनके गाने और जीवी सर की जो म्यूजिक है वो सुन के आपको लगेगा कि हम भी उठ ही जाते हैं अपनी सीटों से और चले पड़ते हैं हम इस सरहदों पे लड़ने, ऐसा जोश और ऐसे होश आपके वो उड़ जाते हैं कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, आपको पूरी तरह से आप भाव विभोर हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उसके अलावा जो गाना है बेकरारियां, एक बहुत ही, आपको आज एल्बम पूरा मिल जाएगा तो आप इन गानों के आनंद उठा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो जीवी सर मनोज जी कॉम्पोजिशन बेकरारियां। सर बेकरारियां की कुछ बेकरारियां आप गा सकते हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं सुन लूं। आप बेकरारियां मैं सचमुच चाहता हूं कि आपके लिए एक रिवील हो, ये एक ऐसी मनोदशा का गाना है। आमतौर पर हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक बड़ी फिल्म वो होती है जो लेयर्स में बात करे, जो तहों में बात करे, जो इंसानी दिमाग के अंदर झांक के कुछ निकालने की कोशिश करे। तो मैं उसके शब्द आपके सामने ना बोल के मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक आपके सामने होगा तो आप प्लीज देख रहे हैं या सुने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स दैट वी कुड क्रिएट, ब्यूटीफुल सॉन्ग। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारा ग्राउंड वर्क, बहुत सारा होमवर्क कंगना पहले कर चुकी थी, इतना होमवर्क तैयार था कि इनफैक्ट मैं जीवी और को जब हम बैठे हैं तो मुझे ये लगा कि खाली इस म्यूजिक को रिकॉर्ड होके प्ले होना बाकी है, बाकी इनके दिमाग में सब कुछ है। तो जब इतनी क्लैरिटी के साथ कोई आपको अप्रोच करता है ना फिल्म मेकर, तो दो चीजें होती है, एक तो आप खुश होते हो कि चलो मैं एक ऐसी फिल्म पे काम करने वाला हूँ जिसमें हर चीज की क्लैरिटी है, दूसरा आपको घबराहट होती है कि आपका डायरेक्टर इतना जानता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गाना अप्रूव नहीं होगा।
तो ये मेरे डर के लाओ मैं कोशिश मैंने की होगी कि इसको हम लोग ऐसे ही पहली डर हम लोग लपेट लेंगे कंगना को थोड़ा सा कोई भी गाना चिपका देंगे पर देखो भाई बट मैंने जैसे सर ने कहा कि आप मत करके आए पर इनका कोई भी गाना हाँ। ये तो जो कविताएं अपने सोशल मीडिया पे ऐसे ड्रॉप कर देते हैं ना वो भी इतनी बहुमूल्य होती हैं कि हमें तो इनकी कोई भी मुझे तो नहीं लगता इनकी कोई भी पोएम मैंने कभी रिजेक्ट की है फिर भी आपने मुझसे पूछ गाने तीन बार लिखवाए हैं दैट स्पीक्स अबाउट व्हाट शी वांटेड व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी शी हैज इन हर माइंड लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एक गीत जिसका अभी कंगना ने जिक्र किया सरकार को सलाम है जी वो शायद पिछले कई वर्षों में कई डेकेड्स में कोई सार्केसिज्म पे गाना देखिए जब इमरजेंसी का जमाना था तो सारे पोएट सारे कवि जागे हुए थे नींद से बाबा नागार्जुन इंद्र जी से पूछते थे उनके सामने मंच पे इंदु जी क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को क्या बात ये बाबा नागार्जुन पूछते थे ये वो टाइम था जब दुष्यंत कुमार की गजलें लोग सड़कों पे गाते थे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए तो ये पूरी भावनाएं समेट के कंगना अपने मन में बैठी हुई थी इनको लगा एक पिक्चर है जितना हम इसमें दुष्यंत कुमार बोल पाए जितना हम बाबा नागार्जुन बोल पाए वो सब हमें अपने तरीके से बोलना है और मौका मिला हमने बोला सरकार को सलाम है बिफोर आई पास ऑन द माइक सरकार को सलाम है शायद पिछले कई दशकों में अकेला गाना है जो बड़े सार्केस्टिक तरीके से सरकार को उस वक्त की सरकार को अटैक करता है उसके बोल है कि सरकार को सलाम है क्या हो कत्लेआम है सरकार को सलाम है लातों से जूतों से मारो रे मारो पापी हैं पापी हम तारो रे तारो जनता पे जितना जुल्म हो रहा है जनता कह रही है अरे बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप क्या बढ़िया लात मारते हैं आप और मारिए हम लातों से जूतों से मारो रे मारो पापी हैं पापी हम तारो रे तारो ना दाएं बाएं देखो ना आगे पीछे सोचो बेखौफ रौंदो कुचलो जल्लाद बन जाओ है मोल क्या हमारा ना ईंट है ना गारा के बोटियां हैं बोटियां हम नोच 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 खाओ क्या बात मैम बिकॉज सर ने तो बताया कि आप ऑलरेडी अपना होमवर्क पहले से करके आए थे और यहाँ पे कॉलेज के बच्चे एक बैठे अपना होमवर्क नहीं करते जो टीचर्स थे तो मैम कितना आपको बिकॉज डायरेक्ट आपने करी है मूवी प्रोड्यूसर है अभी एक्टिंग क्या चीज ऐसी जो थोड़ा सा तो है यार मोहित ये क्यों ले लिया इसमें थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है किसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था आई थिंक प्रोडक्शन में बहुत सारी सबकी बहुत सारी डिमांड्स आती हैं एक्टर्स की भी आती है फिर बाकी क्रू की भी होती है और आप खुद क्रू जब होते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या पंगा ले लिया तो उसमें थोड़ा सा मुझे अनइजी फील हुआ आपको सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके गाने हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं और तो क्या सर प्लीज मुझे ये बताइए कि इमरजेंसी के लिए जब आपको ये इनवाइट आया ये अपॉर्चुनिटी मिली इसको आपने कैसे देखा लाइक आपके लिए भी चैलेंजिंग था कि उस एरा को ये रेजोनेट करना है आज की कंटेम्प्रेरी ऑडियंस से सो वॉज इट डिफिकल्ट हाँ एक्चुअली मुझे जब मनोज ने फोन किया कि ऐसी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि हम एक बार जाके कंगना जी से मिले तो आई गॉन और जब आते हुई तो मुझे लगा कि फिल्म में एंड ऑलरेडी जी वी इज सो टैलेंटेड जी वी हैज डन द म्यूजिक एंड सो मेनी गुड फिल्म्स ही हैज डन ही इज द म्यूजिक मशीन यू जस्ट हैव टू सेट अ सॉन्ग इज ऑलवेज 5 मिनट्स हो जाए 5 मिनट्स ही विल गिव यू वन कंपोजर आई हैव सीन डोंट वरी आई विल कम एंड आई विल सिट एंड ही यूज्ड टू व्हेन because there was a distance between us he lives in Chennai so he's sometimes I used to get you know there are so many things and you have to shoot and lip sync and all of that he's like don't worry I'll come to the office and I'll sit then and there I'll give you fresh tunes I said okay fine and that's exactly what GV sir used to do GV Prakash Kumar sir sir thode se shayad ho hai main samajh pa raha hu but sir question aap se zarur puchna chahunga main wala because singhasan khali karo ek alag hi iske tone set kari hai hame kahin na kahin samajh aa raha hai ki hame kya dekhne ko milega aur beautifully kya kehte hain jaise sir ne likha hai compose kara hai sir is jab aap song ko launch kar rahe the apne dimag mein jab aap us gaane ko baja rahe the ya soch rahe the kya aapke thought the us time par ki yaar mujhe is movie mein ye wala aisa gaana gaana hai jo anthem note ho ek tarike se This is the most toughest sequence of the film. Like okay. It's a dual sequence, and it is the most important breaking point of the film.
So it was very, very tough for us so that the mood doesn't move away from the audience. We have to grip them with the sounds and how we are going to hold them. It was so important. And it's a classic lyric, you know, poetry which has been from the past, which is so iconic, and you know, I can't mess around with it. When Karna ji gave me the lyrics itself, she was like, this is so important, Jivi sir, we have to do it properly. She was like, that's why it was like so much a burden on my shoulders, but you know what, we had to carry it so well. But if you watch the film, it has come out so well.